सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। एक बार के हार के मिलने पर आपको रुकना या थकना नहीं चाहिए, क्योंकि रात के बाद ही नया सवेरा होता है। खुद पर विश्वास अगर है आपका तो यकीन मानिए आप हर चुनौती को पार करके सफल हो सकते हैं। खुली आँखों से देखे सपने को पूरा करने के लिए खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है। आज का पंचांग 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 4:26 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 4:48 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:09 से 10:51 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 5:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर रात्रि 10:34 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। तुला राशि 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार, आपकी कोई ऐसी निजी घटना है जो आपको रोके हुए है और आपकी तरक्की की राह में बाधा बन रही है। अगर आप खुद को गंभीर मुसीबतों से बचाना चाहते हैं तो इन मुद्दों को सुलझा लें। अपने रिश्तों की महत्व समझने की कोशिश करें। अपने प्रयासों को रिश्तों की अहमियत देकर ही निर्धारित करें। आपके माता पिता को किसी संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे घर में झगड़े हो सकते हैं। मरम्मत और नवीनीकरण की भी संभावना है। हालांकि ये महंगा होगा, लेकिन काम पर आपके प्रयासों को जल्द ही इनाम मिलेगा। प्रशंसा और विश्वास भरे कुछ शब्द आपको प्रोत्साहित करेंगे। आज के दिन आप अपने सभी विचाराधीन काम पूरे करेंगे, इसी कारण अपने सहकर्मियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। आपका भविष्य बहुत रोशन है। अवसर और भाग्य दोनों आपके ही तरफ हैं। परिश्रम करें और विजय हासिल करें। बड़े सपने देखने वालों के सभी सपने हमेशा पूरे होते हैं। आज आप खुद को रोजाना की अपेक्षा कम ऊर्जावान महसूस करेंगे। स्वयं को जरूरत से ज्यादा काम के नीचे न दबाएं। थोड़ा आराम करें और आज के कामों को कल के लिए टाल दें। अचानक आए खर्चे आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। आज जिस नए समारोह में आप शामिल होंगे वहां से नई दोस्ती की शुरुआत होगी। उदास ना हो, कभी कभी विफल होना कोई खराब बात नहीं है, वह तो जिंदगी की खूबसूरती है। काम के बाद आपके सहकर्मी आपको किसी छोटे घरेलू उत्सव पर आमंत्रित कर सकते हैं। अगर आप अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके खोने या चोरी होने की संभावना है। जीवन साथी का आत्म केंद्रित व्यवहार आपको नागवार गुजरेगा। परिवार से संबंधित कोई लाभदायक सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। अगर किसी पॉलिसी अथवा प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करने की कोई योजना बन रही है तो तुरंत उस पर अमल करें। आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है। अधिकतर बातों में सुधार आएगा, इस कारण तनाव दूर होगा। पारिवारिक वातावरण भी बदलेगा। पैसों से संबंधित समस्या दूर हो सकती है। आर्थिक पक्ष में बदलाव करने के लिए संयम बनाए रखें। परिवार के लोगों से मिल रहे सुझावों पर ध्यान दें, किसी समस्या का समाधान हो सकता है। व्यापारियों को भागीदारी में काम करने का मौका मिल सकता है, इसके जरिए काम का विस्तार करना होगा। पार्टनर से मिली कमिटमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, लेकिन परिवार में विरोध भी हो सकता है। कंधे में जकड़न भी हो सकती है, ख्याल रखें। इस राशि के जातकों के लिए आज के दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। नौकरी में आज आपकी अच्छी जमेगी, क्योंकि आप अपने कामों से अपने सहकर्मियों को प्रसन्न रखेंगे। लेकिन आप किसी काम को लेकर अहंकार न दिखें। आपको किसी काम पर धैर्य बनाकर रखना होगा। आज गलतफहमी के कारण आप समस्याओं में आ सकते हैं। आपको अपने काम में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी है और आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आपको अपने पिताजी से कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। सावधानियां, अपने तथा परिवार संबंधी सुख सुविधाओं पर अधिक खर्च करते समय अपने बजट का भी ध्यान अवश्य रखें। छोटी छोटी बातों पर आहत होने जैसे स्वभाव
आहत होने जैसे स्वभाव को सुधारें और परेशानियों का हल निकालने का प्रयास करें। विद्यार्थी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज का समय रोमांटिक माहौल के लिए अच्छा नहीं है और आपका संबंध एक लीक पर चल रहा है। शादीशुदा जोड़े अपने रिश्ते में कम होते प्यार को थोड़ी सी कोशिश करके फिर से पैदा कर सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि प्यार से आपके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां पैदा हो रही है जिससे आपको परेशानी हो रही है, लेकिन धीरज रखें और इस अस्थायी चिड़चिड़ेपन के दौर से निकलने तक शांत और सहनशील बने रहें। नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहें। हो सकता है कि आज आपको आपका साथी मिल जाए। कुछ रोमांटिक और अंतरंग क्षण भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। घरेलू मामलों में आपका अधिकतर समय बीत सकता है। इन समस्याओं को सुलझाएं। काफी समय से बचा हुआ काम आज आप पूरा कर लेंगे जिससे आपके सहकर्मी भी आपकी तारीफ करेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको संतुष्टि मिलेगी। अपने साथी को कुछ समय दें और अपनी भावनाओं को साफ साफ व्यक्त करें। बात करते हैं करियर की। पानी या पाइपलाइन से संबंधित असाइनमेंट से आप परेशान हो चुके हैं और आज किसी नए कार्य के बारे में सोच सकते हैं। शिक्षा में आए व्यवधान को भूलकर अभी प्राथमिक शिक्षा की तरफ ध्यान दें। जुआ शेयर या सट्टेबाजी आपके लिए विनाश का कारण बन सकते हैं। इनसे दूर रहें। लंबे समय से अटके हुए कार्य आज पूरे होने के कगार पर हैं, जिसे आपको खाली समय मिलेगा। मौके का सही उपयोग करके अपने करियर में चार चांद लगाएं। आप अपने माता पिता के लोगों की ध्यान आकर्षित करें और सब कुछ उस चीज के प्रति समर्पित कर दें जिसे जीवन कहा जाता है। अच्छा, आपको अपने कार्यालय पर संचार और बातचीत कौशल का विशेष उपयोग करने की जरूरत है। आपको सावधान रहना होगा कि जोर से शिकायतें किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको कूटनीति और कुशलता से दबाव के समय में कार्य करने की आवश्यकता होगी। आपकी सफल बातचीत भी काफी हद तक आपके करियर को आगे बढ़ा सकती है। कार्य क्षेत्र में कोई भी कार्य संबंधित कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। अनिर्णय की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। कमीशन संबंधित व्यवसाय लाभ की स्थिति में रहेंगे। ऑफिस का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा। आज की शुरुआत खराब हो सकती है। समय चिंताजनक है। दोपहर में सहज महसूस करेंगे। आय में दोपहर में वृद्धि हो सकती है और कार्यों में गति भी आएगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा। जमीन संबंधित कोई मामला पक्ष में हो सकता है। मामलों में समझौता होने की संभावना है। शाम को आलस की अधिकता भी हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। आप अपने जीवन की कुछ विशेष घटनाओं के कारण निराश हो गए हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं और काम पर ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते। काम पर बेहतर तरीके से फोकस करने के लिए हर रोज सोने से पहले लिख लीजिए आपने कौन से काम पूरे कर लिए हैं और यह भी लिखें कि आपको कौन से काम पूरे करने हैं। आज का उपाय। आज आप शनि भगवान जी की विधिवत पूजा करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।